हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या है एक नई ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि केल्विन साइकिल को आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा होगा और उसको सुना भी होगा। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि केल्विन साइकिल में क्या क्या यूज होता है और केल्विन साइकिल में क्या क्या बनता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि केल्विन साइकिल में क्या यूज होता है। तो क्या क्या यूज होता है केल्विन साइकिल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी ट्रिक है केल्विन का कोना, सबको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, CALVIN, केल्विन का कोना, CONA, ऐसे लिख लिया केल्विन का कोना। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने आए, 6 आए, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लिया। फिर इसके बाद में CO से क्या बनेगा, CO से बन जाएगा CO2, क्या बन जाएगा, CO2, और NA से क्या बन जाएगा, यहाँ पर NA से बन जाएगा NADPH, क्या बन जाएगा, NA से क्या बन जाता है, NADPH। ठीक, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद में यहाँ पर हम सिंगल ए से लेंगे, सिंगल ए से क्या बन जाएगा, ATP, सिंगल ए से क्या बना, ATP बना। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी नंबरिंग दे देंगे, CO2 पहले नंबर पे है, NADPH2 दूसरे नंबर पे है, और ATP कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, केल्विन पे कितने है, 6 है, तो इन 6 का इन सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 क्या हो जाएगा, 18। तो हमारी जो केल्विन साइकिल होती है उसमें कितना, 6 CO2 का यूज होता है, 12 NADPH का यूज होता है, और 18 ATP का यूज होता है। अब केल्विन साइकिल में यूज होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमें देखना है कि केल्विन साइकिल में बनता क्या है, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, केल्विन साइकिल में बनता क्या है। ठीक, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा टू का उल्टा क्या हम लिख देंगे, यहाँ पर H2O, ये हमने मान लिया है कि CO2 का उल्टा क्या होता है, H2O होता है, और NADPH का उल्टा क्या होता है, NADP, इसका H हटा देंगे यहाँ पर। ठीक, ये हो गया, और ATP का उल्टा हम क्या लिख देंगे, ADP, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्लूकोज, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो C6 लिखा है, C6 लिखा है ना, तो इस 6 को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो 6H2O बनता है, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18, तो 18 NADP बनता है, और 18 ADP बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, 6H2O बनता है, 18 NADP बनता है, और 18 ADP बनता है, किसमें, ग्लूकोज, जो हमारी केल्विन साइकिल होती है। ठीक, केल्विन साइकिल में बनता क्या है, ये बनता है। ठीक, इसके बाद में केल्विन साइकिल में यूज क्या होता है, केल्विन साइकिल में 1 CO2 यूज होता है, 12 NADP यूज होते हैं, और 18 ATP का यूज किया जाता है। ठीक, केल्विन साइकिल में, और ठीक, आई होप आप लोगों को हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, और हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और नहीं भी अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।